हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल DMCET मैथमेटिक्स। आज का हमारे वीडियो लेक्चर में सर्किट का अगला टॉपिक रहेगा। पहले क्लास में हम लोग कुछ थ्योरी और एक आध क्वेश्चन देख चुके हैं, तो हम अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इक्वेशन ऑफ सर्किट इन डायमेंशनल फॉर्म, दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा कि हमको सर्किट का इक्वेशन फाइंड आउट करना होगा जिसकी डायमीटर का इन पॉइंट दिया रहेगा। जैसे हम बोल देते हैं मतलब हमारे ब्रेक का केंद्र हुआ, सेंटर हुआ, और इसको हम मान लेते हैं, हमको पता है कि जो भी लाइन इस केंद्र से होते हुए इस दोनों सर्कमफेरेंस को टच करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, व्यास, दैट मींस डायमीटर बोलेंगे। और इसका त्रिज्या हम कुछ मान लेते हैं, सपोज ए और ये है बी। हम ए का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं कितना, एक्स वन वाई वन, और बी का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं एक्स टू वाई टू। ठीक है, हम यहां पर लिखेंगे क्या, ए बी क्या है, ए बी है डायमीटर जिसका एक कोऑर्डिनेट कितना है एक्स वन वाई वन, और बी कोऑर्डिनेट है हमारा एक्स टू वाई टू। बस इतना ही डेटा दिया रहे क्वेश्चन में, तब हमको इक्वेशन लिखना हो इस ब्रीफ का, तब हम कैसे लिखेंगे, तो जो इक्वेशन हो जाएगा यहां से, इक्वेशन ऑफ सर्किट ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन वाई माइनस वाई टू इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, ये हमारा क्या इक्वेशन ऑफ सर्किट, इसको लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ सर्किट इन डायमीटर, है ना। डायमीटर को हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे, एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स हमको जो डायमीटर है उसका एक एंड का जो कोऑर्डिनेट है दिया जाएगा, दूसरे एंड का भी कोऑर्डिनेट दिया जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, एक्स में से एक्स कोऑर्डिनेट एक एंड का घटाना है, दूसरे में एक्स माइनस दूसरे एंड का जो एक्स कोऑर्डिनेट उसको माइनस करना है, फिर वाई में से दोनों जगह का वाई कोऑर्डिनेट को हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लो पहले, फिर आगे हम देखते हैं स्टेप क्वेश्चन। चलिए पहले हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन क्या हुआ है कि हमको उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है, कुछ ऐसे दिया हुआ है। जैसे हम बोल दिया गया हमारा सेंटर पॉइंट है थ्री फोर और एट एट सिक्स, ये दिया हुआ है, इसका क्या, इसका दिया हुआ है इंड पॉइंट दिया हुआ है, इसका नाम दे देते हैं ए और इसका नाम दे देते हैं बी, इसका सपोज कहीं बीच में इसका केंद्र होगा। तो हमको क्या करना है, ए बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और सर्किल का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये जो हमारा सर्किल है इसका इक्वेशन हमको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल वेयर ए बी क्या हो, ए बी डायमीटर हो, ए बी इज डायमीटर हैविंग इन पॉइंट इन पॉइंट कितना थ्री फोर और एट सिक्स दिया हुआ है, थ्री फोर एंड एट सिक्स। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल था क्वेश्चन, क्या है यहां पर कि हमको डायमीटर का दोनों इन पॉइंट दिया हुआ है थ्री फोर एट सिक्स दिया हुआ है, और हमको क्या करना है, सर्किट का हमको इक्वेशन लिखना है। चलिए हम पढ़ चुके हैं फॉर्मूला, देखिए यहां पर क्या है, एक किसका नाम दिया हुआ है एक्स वन का, ये किसके लिए है वाई वन, ये है एक्स टू, और ये क्या है वाई टू है। ठीक है ना, हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है, इक्वेशन ऑफ सर्किल इन डायमीटर फॉर्म, एक कितना होता है, जस्ट पढ़ चुके हैं फॉर्मूला जो होता है
x minus x2 plus y minus y1 y minus y2 equal to 0. ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, x1 x2 y1 y2 का जो मान है ये हम निकाल लेंगे। चलिए x minus x1 का मान कितना है 3, x minus x2 का मान कितना है देखिए यहां पर 8 प्लस y minus y1 that means y minus y1 का मान क्या दिखाई दे रहा है आपको 4, और यहां पर बोलेंगे y minus जब y2 करेंगे क्या हो जाएगा 6 equal to 0। ये हमारा हो गया क्या इक्वेशन। यदि हम चाहे तो इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं। चलिए तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा x into x हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x और ये हो जाएगा माइनस 8x माइनस जाएगा प्लस 24। जब यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना मिलेगा हमें यहां से y into y हो जाएगा y स्क्वायर और माइनस 4 into y माइनस 4y माइनस 6 into y हो जाएगा माइनस 6y और माइनस 6 into माना हो जाएगा कितना प्लस 24 इक्वल टू 0। चलिए सबसे पहले हम x स्क्वायर को लिख लेते हैं यहां पर, फिर क्या करेंगे y स्क्वायर को लेंगे x स्क्वायर को लेंगे y स्क्वायर को लेंगे देखिए माइनस 3x और माइनस 8x कितना हो जाएगा माइनस 11x। ठीक है ना, अब देखिए माइनस 4y और माइनस 6y हो जाएगा कितना माइनस 10y। कांस्टेंट टर्म को देख लेते हैं 24 और ये 24 कितना हो जाएगा प्लस में 48 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हुआ हमारा इसका इक्वेशन। x स्क्वायर y स्क्वायर x का कोफिशिएंट यहां जोड़िए माइनस 11 x हो जाएगा यहां से मान लीजिए y प्लस 48 इक्वल टू 0। ठीक है, आया सारा देखो हमने क्या किया सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले पर x1 x2 y1 y2 का मान हमने पुट कर दिया। ठीक है, तो चलिए इसको नोट डाउन करिए फिर आगे इसमें देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि यदि हम इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से करें तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट मेथड हुआ। चलिए हमें देख लेते हैं कि फर्स्ट मेथड से हमारा आंसर कितना आया है। ये आया हमारा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 11x माइनस 10y प्लस 48 इक्वल टू 0। हमें इतना आंसर आ चुका है। अब हम क्या करते हैं इसको सीधे मेथड से सॉल्व करके देखते हैं क्या कंडीशन बनता है यहाँ पर। इसको आप लिखिए सीकेंड मेथड। ध्यान रहे हम एग्जाम में इन दोनों मेथड में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेंगे और इजी हो जाएगा, या तो फिर सपोज एग्जाम में हम फॉर्मूला याद नहीं कर पा रहे हैं तो हम बेसिक से भी चल सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसका, नहीं हमको पता है कि किसी भी वृत्त का जब हम इक्वेशन लिखते हैं तो यदि उसका सेंटर पता रहे और उसका रेडियस पता रहे तो हम क्या कर सकते हैं उसका इक्वेशन लिख सकते हैं। तो सेंटर जो होता है वो क्या होता है, इस दोनों डायमीटर के मिड पॉइंट होता है। ठीक है ना, यदि हम बोल दें कि जो सी है उस ए बी का क्या है मिड पॉइंट, क्या बोलते हैं देखिए सेंटर सी जो है वो क्या होगा सी इज मिड पॉइंट ऑफ क्या डायरा ए बी। क्यों, क्योंकि ए बी डायमीटर है हमारा, ए बी का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा सेंटर हो जाएगा। चलिए तो अब यदि हमें सपोज सेंटर का कोऑर्डिनेट ज्ञात करना हुआ तो सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। आपको पता है देखिए फॉर्मूला क्या होता है, सपोज आपको एक लाइन दिया हुआ है x1 y1 और ये दिया हुआ है x2 y2। ठीक है ना, अब यदि हमको क्या करना होगा इसका मिड पॉइंट लिखना होगा तो जो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होगा वो क्या होता है x1 plus x2 by 2 and y1 plus y2 by 2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट का, एक पता होगा आपको। तो हम क्या करेंगे इसी फॉर्मूले के हेल्प से हम इसको फाइंड आउट करेंगे।
पॉइंट सी को, जो हमारा पॉइंट सी होगा वो क्या हो जाएगा कि 3 प्लस 8 बाई 2 एंड 4 प्लस 6 बाई 2 हो जाएगा, 4 प्लस 6 बाई 2। और समझ में ये कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 11 बाई 2 और कितना हो जाएगा 10 बाई 2। डेट मीन्स जो सेंटर है हमारा वो कितना मिल गया, 11 बाई 2 एंड 5। समझ में, यानी कि जो पॉइंट हो गया 11 बाई 2 और 5 हो गया। क्लियर है इतना? चलिए अब यदि हम एबी का लेंथ निकालना है, दैट मीन्स मोड एबी, और मोड एबी क्या है, डायमीटर है हमारा, ये होगा हमारा क्या, ये हो गया हमारा डायमीटर। तो डायमीटर का जब यहां पर लेंथ निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस निकालने का, पढ़ चुके हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। x2 माइनस x1 दैट मींस 8 में से 3 को माइनस करेंगे, 8 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस अब 6 में से 4 को माइनस करेंगे, 6 माइनस 4 का स्क्वायर, ये कितना मिल जाएगा आपको, इसका फॉर्मूला है 8 माइनस 3 का स्क्वायर दैट मींस 5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का स्क्वायर दैट मींस 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा अंडर रूट 25 प्लस 4 दैट मींस कितना, अंडर रूट 20। ठीक है ना, चलिए एक यहां पर हमारा डायमीटर मिल गया, ये हुआ डायरा मिल गया हमको अंडर 29, तो हम बोल सकते हैं रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस जो होता है वो आधा हो जाएगा एबी बाई टू, दैट मींस क्या जो आर का मान है रेडियस एबी बाई टू, या फिर इसको हम बोल सकते हैं डायरा बाई टू, ये हो जाएगा अंडर रूट 29/2। ठीक है, चलिए हम क्या फाइंड आउट कर चुके हैं, सेंटर पॉइंट फाइंड आउट कर चुके हैं और हम यहां से रेडियस फाइंड आउट कर चुके हैं, तो इसको पहले इतना नोट डाउन करिए फिर आगे चलते हैं। चलिए अगला स्टेप है, सेंटर पॉइंट हमको मिल चुका है कितना, 11/2 एंड 5, और रेडियस जो है कैंसिल चुका है कितना, अंडर रूट जो रेडियस है वो मिल चुका है अंडर रूट 29/2। चलिए अब हम अगर इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्किट, ये हम फर्स्ट क्लास में ही पढ़े थे कि जब सेंटर पॉइंट दिया है और उसके कोरस्पोंडिंग रेडियस दिया रहा है तो उसका इक्वेशन कैसे लिखते हैं, उसका इक्वेशन होता है एक्स माइनस सेंटर के एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, दैट मींस एक्स माइनस 11/2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस सेंटर के वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर इक्वल टू क्या, आर स्क्वायर, और आर का मान कितना है अंडर रूट 29/2, अंडर रूट 29/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट 29/2 का हो जाएगा स्क्वायर। चलिए इसको ब्रेक करते हैं कितना, ये हो जाएगा जब हम एलसीएम लेंगे 2x माइनस 11/2 का स्क्वायर प्लस, इसको ब्रेक कर लेते हैं कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 जब करेंगे तो हमको मिलेगा माइनस 10y। ठीक है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं इन फटाफट यहां से। चलिए जब इसको स्क्वायर करेगा कितना मिलेगा, रूट हट जाएगा, दैट मींस 29 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। चलिए इसको सिंपलीफाई करते हैं, 2x माइनस 11 का स्क्वायर करिए कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा 121 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का माइनस 2 ये भी करेंगे हम तो 4 में ले हो जाएगा 44x। ठीक है, और अपॉन में क्या है, अपॉन में 2 का स्क्वायर कितना 4, यहां से कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y इक्वल टू कितना मिलेगा आपको 29/4। अब हम क्या करते हैं 4 का एलसीएम ले लेते हैं,
चलिए जब हम 4 का एलसीएम लेंगे यहां से a2 कॉमन मिलेगा 4x स्क्वायर प्लस 121 माइनस 44x ठीक है। अब इसमें 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस पार्ट में क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 into 5 मल्टीप्लाई होकर 100 मिलेगा और यहां से 4 into 5 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा माइनस 40y ठीक है ना, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 29 अपॉन में 4। आप इस 4 से 4 को कैंसिल कर सकते हैं। चलिए क्या मिल गया यहां से 4x स्क्वायर और ये है क्या प्लस में 4y स्क्वायर ठीक है। अब देखिए x का टर्म कितना है माइनस 44x और y का टर्म कितना है माइनस 40y। कांस्टेंट टर्म को हम चेक करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 121 और 100 में कितना हो जाएगा प्लस 221 में से इसको माइनस करेंगे कितना 29 = 0 ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं फिर से कितना 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस इसको लिख लीजिए आप क्या 4 into 11x इसको लिख लेंगे हम कितना 4 into 10y। अब देखिए जब इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 29 को माइनस करना है तो यहां से 21 को 200 हो जाएगा, 200 में से फिर हम कितना माइनस करेंगे 8 माइनस करेंगे ये हो जाएगा हमारा 192 ठीक है इक्वल टू 0। चलिए अब यहां से और कॉमन कर लेते हैं कितना मिलेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 11x माइनस 10y प्लस इसमें जब 4 कॉमन करेंगे तो डिवाइड कर देंगे 4 टाइम्स चला जाएगा 63 और 4 8 निकल जाएगा 32 इक्वल टू 0 ठीक है। तो और का उधर हम लिखते हैं तो काम भी तो हमारे पे चल जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 11x माइनस 10y प्लस 48 इक्वल टू 0 ठीक है ना। एक क्या हुआ, ए हुआ हमारा देखिए ए इक्वेशन सेम आ रहा है किस इक्वेशन के, इसकी इक्वेशन से सेम आ रहा है और ए वाला जो इक्वेशन कैसे फाइंड आउट किए थे विद द हेल्प ऑफ डायमीटर फॉर्म फार्मूला x माइनस x1 इनटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इनटू y माइनस y2 इक्वल टू 0 से इसको फाइंड आउट किए थे ठीक है। और ये हम क्या किए इसको बेसिक मेथड से सॉल्व किए, सबसे पहले हम सेंटर को फाइंड आउट किए, अगेन डायमीटर का लेंथ निकाले, फिर उसको हम 2 से डिवाइड किए ताकि रेडियस हमको मिल जाए, फिर x माइनस सेंटर का x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस y माइनस सेंटर के y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। तो हम देख क्या रहे हैं दोनों का जो माप है सेम आ रहा है ठीक है। तो आप एग्जाम में या तो ऐसे भी कर सकते हैं या तो फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा लेंथी हो जाएगा बट दोनों मेथड समझ में आना चाहिए ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन करिए फिर आगे देखते हैं। चलिए अगर हम क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर ब्रेक 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 16x माइनस 12y माइनस 20 इक्वल टू 0 का हमको क्या फाइंड आउट करना है, केंद्र तथा त्रिज्या निकालना है ठीक है ना। दैट मींस कोई ब्रेक का इक्वेशन नहीं जा रहा है, हमें बताना है कि सेंटर पॉइंट क्या है और ये इसका रेडियस क्या है। चलिए अब समझते हैं यहाँ पर सबसे पहले चेक करेंगे कि गिवन इक्वेशन जो है क्या वो सर्किल का इक्वेशन है। कंडीशन क्या था, कंडीशन है था कि जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो y स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट मींस गुणांक के इक्वल होना चाहिए। तो हां इसका गुणांक 2 है इसका भी गुणांक 2 है सही आंसर। दूसरा कंडीशन था कि कोफिशिएंट का x y जो था वो 0 होना चाहिए, इसमें x y कहीं भी टर्म नहीं है वो भी सही है, दैट मींस ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको सर्किल के इक्वेशन को। चलिए तो अब हम यहां पर केंद्र तथा त्रिज्या निकालने से पहले क्या करेंगे इसको जनरल फॉर्मेट में लिखेंगे ठीक है। और जनरल फॉर्म क्या होता है मैं फिर से लिख दे रहा हूं, इक्वेशन ऑफ सर्किल इन जनरल फॉर्म क्या होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0 ठीक है ना। देखिए अब यहां पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यहां पर भी 1 है,
दैट मींस हम भी अपने क्वेश्चन का जो दिया हुआ है यहां पर 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 16x माइनस 12y माइनस 20 में क्या करेंगे, यहां पर कोफिशिएंट 1 बनाएंगे हम। अब कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए क्या करना होगा हमको, यहां पर 2 कॉमन करना होगा। तो 2 को कॉमन करेंगे कितना हो जाएगा, x स्क्वायर y स्क्वायर 8x 6y 11 इक्वल टू 0। 2 क्या होगा उधर चला जाएगा 0, दैट मींस फाइनली जो इक्वेशन मिलेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब देखिए हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिखेंगे 2gx, ठीक है ना। तो हम 2 को पहले बाहर कर देते हैं, अब हमको लिखना है g और यहां पर लगेगा x। अब बताइए यहां पर g का हम मान क्या रूट का है कि 8x मिल जाए 2 into, तब तो यहां पर क्या देना होगा 4, तारा समझ में 2 g x 8x मिल गया प्लस। अब हम क्या सेट करेंगे 2fy, तो यहां पर 2 रहेगा ही रहेगा, यहां पर रहेगा y। तब हम f का मान क्या रखें कि -6y मिल जाए, बताइए कितना हो जाएगा -3, ठीक है। और इसको कर लीजिए प्लस माइनस 11 इक्वल टू 0, उधर चला गया। चलिए या तो इसको ऐसे लिखना आप लिख भी सकते हैं नहीं तो फिर डायरेक्टली रख देते हैं, ठीक है। चलिए यहां पर देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ जो सेंटर होता है, सेंटर कितना होता है माइनस डी और माइनस एफ होता है, ठीक है। इसको आप ऐसे रख देते नहीं आ रहा तो माइनस डी और माइनस एफ होता है, दैट मीन्स जहां पर माइनस डी को क्या बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन माइनस टू, और माइनस एफ को क्या बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ वाई अपॉन माइनस टू। चलिए देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 2 × 4 8 है, जब हम एक्स से डिवाइड करेंगे क्या माइनस टू को कितना मिल जाएगा माइनस 4। कोफिशिएंट ऑफ वाई कितना है देखिए यहां पर कोफिशिएंट ऑफ वाई कितना है 2 × -3 दैट मींस -6, -6 को हम सॉल्व करेंगे माइनस टू से डिवाइड कर कितना मिल जाएगा ये मिल जाएगा 3। आधा समझ में, बस सेंटर पॉइंट यही तो होता है, सेंटर क्या होता है -3 -6 मान हमको मिल चुका कितना हो गया -4 और 3, सेंटर पॉइंट हमारा मिल गया, सेंटर आ गया -4 और 3, ठीक है। ये हमारा एंसर, इसको नोट डाउन करेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसका रेडियस निकालते हैं। हमको रिजल्ट मिल चुका है माइनस डी का मान कितना माइनस फोर, माइनस एफ का मान मिल चुका है कितना 3, सी का मान क्या है सी का मान यही होता है कॉन्स्टेंट टर्म होता है ना, इसको कंपेयर कर सकते हैं अपने इक्वेशन से, तो कॉन्स्टेंट टर्म कितना है माइनस इलेवन। रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है अंदर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, मान टू करिए सर जी का स्क्वायर माइनस फोर का स्क्वायर कितना हो जाएगा स्क्वायर प्लस माइनस फोर का मान पड़ेगा एक स्क्वायर दैट मींस 3 का स्क्वायर माइनस माइनस 11, तो ए हमको जाएगा कितना अंडर रूट 16 प्लस 9 प्लस कितना प्लस 11 हो जाएगा दैट मींस 25 प्लस 11 कितना अंडर रूट 36 यानी कि कितना जाएगा 6, क्लियर है। ये हमारा क्या होगा उदाहरण, तो बोल सकते हैं सेंटर कितना आ गया -4 3 और रेडियस कितना हो गया 6, क्लियर हो आंसर, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।